हमारे देश में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चुनौती है। इसे रोक पाना आसान काम नहीं है। ये चुनौती इतनी बड़ी है कि भ्रष्टाचार ने यूपीए 2 को सत्ता से बेदखल कर दिया था और फिर आए भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी, जो आज भारत के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जिनका भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा से सख्त रुख रहा है। स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में, मैं गरिमा गौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हुई G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति है, क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रभाव गरीबों पर पड़ता है। इसलिए भ्रष्टाचार से लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। इसी का नतीजा है कि हमने आर्थिक भगोड़ों के खिलाफ सख्त कानून बनाया और इसके बाद भी हमारी लड़ाई अब भी जारी है। आपको बता दें कि G20 भ्रष्टाचार निरोधी मंत्री स्तरीय की अध्यक्षता केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने की। G20 की अब तक की यह दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक होगी। इससे पहले भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भ्रष्टाचार निरोधी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक 9 से 10 अगस्त तक कोलकाता में हुई। बैठक में G20 सदस्यों, 10 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 154 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और अधिक खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अब मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।